प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दामन का है साथ सात वचन और फेरे साथ चोली दामन का है साथ सात वचन और फेरे साथ खुशियों की लाए बरसात सात वचन और फेरे साथ जिस्म और जान होए जीने का अरमान होए फिर कोई तूफान भी आए घर गृहस्थी को तोड़ न पाए ये बंधन है एक सौगात सात वचन और फेरे साथ ये है ख्वाब सुनहरे सात वचन और साथ शिवम के पिता और नितिन के पिता का सपना भी पूरा करना है। आराधना इस घर की बहू बनकर आ जाए, उनका यही सपना था। आपको अभी तक चेक नहीं मिला? तुमने मिस्टर चड्डा को चेक क्यों नहीं भेजा? मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। ये फूलदानी के फूल क्यों नहीं चेंज किए अभी तक? जाने मैं इनसे क्या कहूंगी। यहाँ चंचल शौक नजारे 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 रह रह के करे इशारे 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 यहाँ चंचल शौक नजारे रह रह के करे इशारे तो सर अकाल में
दीवाने, हम मस्ताने, सबको नचाने, होश उड़ाने, आ गए दीवाने। So cold. This is my kingdom, always was. Badass faces, badass girls. Shake your body, move your body. Shake your body, move your body. Are you ready, Mr. Magic? Na man mein khushiyan bhar le, bhar le, bhar le. Tu naam dance mein kar le. जाने अपना बनाने दिल लुटाने हाँ दिल लुटाने आ गए मस्ताने कोई माने या ना माने होके दुनिया से बेगाने कोई माने या ना माने होके दुनिया से बेगाने बहलाने सबको नचाने होश उड़ाने आ गए दीवाने कोई माने या ना माने सबको नचाने हाँ नचाने आ गए मस्ताने सात वचन और साथ हालात सुनकर तो मैं उसी दिन सकते में आ गई थी क्या क्या हमारी आराधना सचमुच में इसी तरह की जिंदगी जीने लगी है गॉड मुझे तो यकीन नहीं अब मैं उनसे क्या कहूंगी उन्हें क्या जवाब दूंगी गॉड अरे आप आ गए आज ऑफिस से आने में बहुत लेट कर दी हाँ वो माल की डिलीवरी देनी थी यार बहुत तेज भूख लगी जल्दी से खाना लाओ जी खाना तैयार है मैं अभी लगाती हूँ हाँ सुनो आराधना कहाँ है उसने खाना खाया क्या वो सो रही है ना इस वक्त उसकी तबीयत तो ठीक है अब तबीयत नहीं ठीक है ना तभी तो वो सो रही है क्या क्या उसकी तबीयत खराब है मैं उसे देख कर आता अब सुनिए वो सो रही है आप जाएंगे तो उठ जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी ना शिखा कैसी बातें कर रही हो उसकी तबीयत खराब है शी इज माय डार्लिंग सिस्टर यार कम ऑन ओह गॉड मैं क्या करूं आराधना तू कहां हो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए आराधना भैया आप आ गए क्या हुआ तुम्हारी तबीयत मेरी तबीयत वो एक्चुअली भैया सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था मैंने दवाई खाई है सो नहीं जा रही थी सुबह तक बिल्कुल फिट हो जाऊंगी आराधना सिर्फ दवा खाने से सर का दर्द दूर नहीं होगा खाना खा लो और खाने के बाद तुम्हारी भाभी गर्म तेल से तुम्हारे सर की मालिश कर देंगी। Now, come on. जी,
आप चलिए मैं आती हूँ। तो ये कौन सा नया तरीका तुमने निकाल लिया है? कब तक इस तरह हमारी आंखों में धूल झोंकती रहोगी तुम? आप क्या बोल रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बंद करो अपना ये नाटक आराधना। आज शाम को मैंने तुम्हें देखा था मॉडर्न ड्रेस में, उन लोगों के साथ मौज मस्ती करते हुए। घर पर सीधी सादी लड़की बनी रहती हूँ और वहाँ जूली के घर में जाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर, छी, शर्म नहीं आती तुम? आप ओवररिएक्ट कर रही हैं। आजकल के टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारे भैया को जब पता चलेगा ना तो गजब हो जाएगा। पता तो तब चलेगा ना भाभी, जब आप बताएंगी। देखो आराधना, मैं तुम्हारी भाभी तो हूँ, उसके साथ साथ तुम्हारी माँ भी हूँ। और एक माँ का ये फर्ज बनता है कि अपने बहकते हुए बच्चे के कदम को रोके। ऐसा किया क्या है? अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, बस इतना ही ना। भैया को ये लाइफस्टाइल पसंद नहीं है और मैं जो उनका। देखो आराधना, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। आज के बाद अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी? सोती क्यों नहीं हो? मेरी भी नींद हराम कर रखी है। अरे आपकी तो सिर्फ नींद हराम हो गई है, मेरा तो सुख चैन सब हराम हो गया है। अरे साफ साफ बोलो, बात क्या है भाई, क्या हुआ? देखिए ना, भाभी के तो वारे न्यारे हो गए हैं, जिसे देखो उन पे लट्टू आ जा रहा है। माता रानी दी सो, मेरे बच्चों को तो कोई पूछता ही नहीं। तुम्हारे बच्चों को किस बात की कमी है? अब इस घर में तेरा मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सबका है। और माँ अपने सभी पोते पोतियों को बराबर प्यार करती है। सुनिए ना, ये फुलन देवी अचानक भड़कते शोले से ठंडी राख कैसे बन गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम तो कहती थी कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा। नहीं नहीं खराब होगा। सुनिए ना, नहीं उल्टा सीधा खा खा के ना तुम्हारा दिमाग भी गुड़ गोबर हो गया बिल्कुल। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे भी एक लड़की चाहिए। दादी पोती पर दौलत लुटाए तो आधी तो हमारे हिस्से आए। हे भगवान, इस दौलत की पुजारिन को थोड़ी सी अकल तो दे दे। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और कुछ तो शर्म करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। जेठ जी को शर्म नहीं आई, उनके बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, फिर हम क्यों शर्म करने लगे? धन्य हो तुम, तुमसे बहस करना तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। अब सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस जाना है। माता रानी की भावना जो कहती है पूरा करके ही रहती है। अरे तुम लोग क्या समझते हो अपने दादा को? हम भी बचपन में चैंपियन थे कैरम के। अभी देखो, मैं क्वीन लेके बताता हूँ ऐसे। देखो,
वाह देखो ना प्रताप चाचा कैसे बच्चों के साथ खेल रहे, बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चों जैसे हो गए। परिवार के नाम पर हम ही हैं उनके बेटा। अपना अकेलापन, अपना दुख यहाँ आकर सब भूल जाते हैं, खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं और अपना दुख किसी पर जाहिर नहीं होने देते बेटा। मैंने तो बचपन से यही देखा है, पिताजी और प्रताप काका दोस्तों की तरह नहीं, हमेशा भाइयों की तरह रहे। वाह, तो फिर वो हमारे साथ यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? मैंने बहुत कहा, बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानते। नितिन के पिता, तुम्हारे पिता, प्रताप भाई साहब, तीनों दोस्ती की अनोखी मिसाल हुआ करते थे। थैंक यू, और अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकता हूँ। थैंक यू बजरंगी, जरा मुझे उठाओ। चलो हरा दिया बच्चों ने। बजरंगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं चैंपियन ऑफ कैरम इन बच्चों से हार गया हूँ। अजी बच्चे आजकल बहुत तेज होते हैं। माता जी मैं बच्चों को संभालता हूँ। आइए चाचा जी, आइए बैठे। धनिया चाचा जी को चाय पिला। हाँ भाई, हमको भी। हाँ भाई चाय ले आओ, हार हार के थक गए हैं हम। हार गए। थैंक यू। अच्छा चाचा जी एक बात बताइए, इन बच्चों से आप शर्त क्यों लगाते हैं? ये चारों मिलकर आपको हर बार हरा देते हैं। बेटा क्या करें, 25 साल हो गए तुम लोगों से हारते हारते, अब तो कमबख्त आदत पड़ गई है। शिवम भैया, बच्चे हराते नहीं है, चाचा जी उनसे खुद हार जाते हैं। सच कहा रागिनी बेटी ने, बिल्कुल सच कहा। दरअसल जब मैं हारता हूं और ये बच्चे खुश होते हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे इनके मासूम चेहरे पे जो खुशी आती है तो मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। अरे मैं तो चाहता हूं कि मेरे दोस्त के इस घर में हर वक्त खुशी ही खुशी रहे, ढोल ताशे बजते रहे, भांगड़ा हो, नाच गाना हो, बस हर तरफ खुशियों की बरसात हो, खुशियों की बरसात। सात वचन और साथ मेरे।
चाची की हो मैं दूसरी बार ए चाचा का बड़े परिवार बधाई हो मैं चाचा का बड़े परिवार तीसरी बधाई मम्मी डैडी की हो मैं तीसरी बधाई मम्मी डैडी की हो ए डैडी का बड़े परिवार बधाई हो मैं डैडी का बड़े परिवार बधाई हो मैं ईश्वर की बोलो जय जय का बधाई हो फक माई से भी आशीर्वाद देते जाइए उदय पैर बड़े परिवार दीदर नाम पुत्र परस सदा सोगन लक्ष्मी से घर भरे दिल की इच्छा पूरी मन दे मुराद दे आस दे औलाद दे धन दे दौलत दे मट्टी से सोना हाथ पर में अर्जुन की शक्ति दे दे बच्चे दो बेटी या बेटा दो बेटी ले मेरी तरफ से एक सगुन ले पहला जल्दी से तू भी एक बेटी की माँ कहलाए जल्दी से मैं शोहर गाने आऊं ये लीजिए आपका नेक भगवान सदा खुश रखे आपके परिवार को आपके घर खुशियां ही खुशियां है आपके घर खुशियों की बारिश सोए मालिक करे भगवान करे मेरा परमात्मा करे राजी रहे सदा और ये छोरे की चट मंगनी पट बिया हो फिर सगन लेने आओ चलो रे चलो 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 गृहस्थी को तोड़ न पाए ये बंधन है एक सवार सात वचन आए फेरे साथ ये है ख्वाब सुनहरे सात वचन आए साथ